हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन एक नया चैप्टर है। आज हम लोग बात करेंगे बेटा ग्रेविटेशन के लेक्चर फर्स्ट की। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में ग्रेविटेशन होता क्या है। तो बेटा ग्रेविटेशन एक फोर्स होता है और ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। अब ग्रेविटेशन के बारे में केपलर्स ने, न्यूटन्स ने, गैलीलियो ने बहुत सारी चीज़ें ग्रेविटेशन के बारे में आई, लेकिन एक ग्रेविटेशन को कंप्लीट तरीके से समझाने के लिए न्यूटन का बहुत बड़ा रोल रहा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग ग्रेविटेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते बेटा ये ग्रेविटेशन है क्या। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स, यहाँ पे क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स। द फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है, यानी कि इस पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक पर्टिकुलर फोर्स से, और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करता है वही फोर्स क्या होता है बेटा, ग्रेविटेशन फोर्स होता है। आपने सुना होगा न्यूटन की एक स्टोरी थी कि न्यूटन क्या कर रहे थे कि एक सेब के पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे न्यूटन बैठे हुए थे यहाँ, और जब वो बैठे हुए थे तो ऊपर से एक सेब गिरा। तो जब सेब गिरा तो उनके दिमाग में आइडिया आ गया कि भाई ये सेब नीचे क्यों गिरा। ऑब्वियस सी बात है कि उससे पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा, इधर भी स्पेस था, इस साइड भी स्पेस था, ऊपर भी पूरा ब्लैंक स्पेस था, तो ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों गया। बस इनकी छोटी सी इस सोच ने एक तरीके से कहा जाए कि इतने बड़े कॉन्सेप्ट को लाके रख दिया, और यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स हर एक ऑब्जेक्ट इस पूरे कंप्लीट यूनिवर्स में, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर फोर्स से अट्रैक्ट करता है, और वो अट्रैक्शन फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है बेटा। अच्छा, इसका कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है। इफ वी रिलीज अ स्मॉल स्टोन विदाउट पुशिंग इट, मान लो आपने किसी पर्टिकुलर हाइट से एक स्मॉल स्टोन को छोड़ दिया, तो जैसे ही आप उसको छोड़ोगे क्या होगा, वो स्टोन नीचे की तरफ आएगा, वो स्टोन ऊपर की तरफ या इधर उधर नहीं जाएगा, वो स्टोन नीचे की आएगा, सेम एज जैसे कि सेब न्यूटन के सर के ऊपर गिरा था। तो इफ वी रिलीज अ स्मॉल स्टोन विदाउट पुशिंग इट फ्रॉम अ हाइट, इट एक्सेलरेट टुवर्ड्स द अर्थ। अब टुवर्ड्स द अर्थ एक्सेलरेट है, यानी कि अर्थ की तरफ गिर रहा है। आगे कह रहा है द स्टोन इज व्हेन एक्सेलरेटेड, जब स्टोन एक्सेलरेटेड होगा टुवर्ड्स द अर्थ मीन सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब उस पर फोर्स लग रहा है। अब वो फोर्स क्या है ये आइडिया नहीं था, वो तो बाद में आया। तो वही कह रहा था स्टोन इज व्हेन एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द अर्थ मींस सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, द फोर्स विच पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी कि हर एक मास बॉडी एक दूसरी मास बॉडी को एक पर्टिकुलर फोर्स से अट्रैक्ट करती है, और वही फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम किसी पर्टिकुलर हाइट पे रखते हैं वो अर्थ के टुवर्ड्स चला जाता है, क्यों, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी होती है और वो एक पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, इसलिए वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है। हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो भी करते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स तो उसके ऊपर लग ही रहा है, इसीलिए उसमें कॉन्टिन्यूअस रिटार्डेशन आता है, एक पर्टिकुलर हाइट पे जाकर वो रुकता है और वापस नीचे आता है, ठीक है बेटा। ये सारी चीजें क्यों होती हैं, कॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ओके बेटा। आगे कह रहा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बेटा अगर अब हम यहां आते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, तो हम लोगों ने बेसिक समझा कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक एस टाइप के काइंड का फोर्स होता है जो कि अट्रैक्टिव होता है। अब यहां पर न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम बात करते हैं, इनका स्टेटमेंट क्या था, आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं। कह रहा है द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स। हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब कि ये कह रहा है कि अगर एक मास ऑब्जेक्ट दूसरे मास ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है तो वो फोर्स जो होगा वो उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, इसका मास है m1, और यहां एक बॉडी है, इसका मास है m2, और इन दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज r। तो न्यूटन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी कि फोर्स इनके m1 और इनटू m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बेटा, इनके क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं। दूसरा, डिस्टेंस के स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दैट इज इक्वेशन नंबर टू। अब हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये आता है, देखिए मैं यहां पर इक्वल टू का साइन लगा दिया गलती से, ये आता है हमारे पास। अब हमारे पास फोर्स के लिए आया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू बॉडीज एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये आ गया। अगर हमें इसको फॉर्मूले के टर्म में कन्वर्ट करना तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक कॉन्स्टेंट टर्म लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड जी, यानी कि एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये कैपिटल जी क्या है, इसी कैपिटल जी को हम लोग बोलते हैं बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या होता है बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और इस जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू। ओके, अच्छा अगर ये इसकी वैल्यू होती है तो इसकी यूनिट एक बार हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, जी की यूनिट कैसे निकलती है। आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जी की यूनिट कैसे निकलती है। देखिएगा बेटा, हमारे पास फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। हमें जी को एक साइड रखना है तो एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू जी। अब हमें इसकी यूनिट लिखनी है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन। आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन मास यानी कि किलोग्राम स्क्वायर। सो दैट इज द यूनिट ऑफ जी, यानी कि जी की यूनिट बेसिकली हमारे पास हो गई, जो यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ये यूनिट हम लिखते हैं बेटा। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी यूनिट भी ड्राइव कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके बेटा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, साथ ही साथ ये भी जान लीजिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स किसी दो बॉडी के बीच में लग रहा है तो वो एक स्ट्रेट पाथ पर लगता है, यानी कि उनकी एक डायरेक्शन फिक्स होती है कि तुम्हें यहां से यहां जाना है और इस बॉडी को यहां से यहां। तो इनकी एक डायरेक्शन फिक्स होने की वजह से ये जो फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये कैसा होता है, वेक्टर का होता है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तुमको मालूम है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि न्यूटन ने दिया, और ये एक यूनिवर्सल लॉ हम लोग इसके बोलते हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर, केवल यूनिवर्सल का मतलब सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स के लिए ये लॉ फॉलो होता है। ठीक है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके बेटा, अभी हम लोग आगे बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे कह रहा है, अच्छा अब मान लीजिए कि अगर ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है तो ऑब्वियस सी बात है आपके सराउंडिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब वो सारे ऑब्जेक्ट्स, कोई बहुत ज्यादा हैवी मास के ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई कम मास के ऑब्जेक्ट्स हैं, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, तो आपके नियर अबाउट भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो इसका मतलब आपकी बॉडी उस ऑब्जेक्ट पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है, और काफी पास में भी होगा वो ऑब्जेक्ट, तो फिर वो आपके पास क्यों नहीं आ रहा है। अगर फोर्स लग रहा है तो टुवर्ड्स ईच अदर आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों, क्या वहां फोर्स नहीं लग रहा है, लग रहा है लेकिन वहां फोर्स की वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, तो हम लोग एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए दो मास बॉडी लेते हैं, उनके बीच में कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस लेते हैं,
और देखते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है। अगर उनका फोर्स सफिशियंट लग रहा है और नहीं आ रहा है, तब तो हम कह सकते हैं कि भाई न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला जो उन्होंने दिया वो गलत था। लेकिन देखते हैं पहले कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करके देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, दैट इज व्हाई कैलकुलेट, कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 केजी ईच एंड प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। यानी कि एम वन कितना है बेटा 100 केजी, एम टू कितना है बेटा 100 केजी, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है, दैट इज 1 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला। वैल्यू निकालते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है बेटा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अब मास यानी कि 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 1। अब 1 का स्क्वायर किए दैट इज 1, और कोई मतलब तो है नहीं उसका। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11, और ये हो गया बेटा 10 टू दी पावर 4 अपॉन 1। अब अपॉन में अगर 1 है तो इसकी कोई जरूरत है नहीं बार बार आपको लिखने की, ये बिना लिखे काम चल सकता है। अब देखिएगा, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू 6.67। अब यहां 10 टू दी पावर माइनस 11 है या 10 टू दी पावर प्लस 4 है, तो अगर सेम बेस का पावर हो तो वो प्रोडक्ट में हो तो क्या होता है एड, तो माइनस 4 माइनस 11 प्लस 4 कितना होता है बेटा 10 टू दी पावर माइनस 7। अब हमको नीचे अपॉन लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि 200 केजी की बॉडीज अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पर भी रखी है तो भी उन पर जो फोर्स लग रहा है बेटा वो देखो कितना कम आ रहा है। ये आ रहा है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, ये पावर निगेटिव हो गई, यानी कि बहुत ही छोटा फोर्स है। ये कैसा फोर्स है, बहुत ही छोटा फोर्स है, और इतने फोर्स की वजह से बॉडी में मोशन जनरेट नहीं होता। अगर यही पावर पॉजिटिव हो जाती तो शायद बॉडी टुवर्ड्स ईच अदर मूव करती, लेकिन यहां पर इतना छोटा फोर्स है, इतना निग्लिजिबल फोर्स है कि वो बॉडी अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है लेकिन मोशन जनरेट नहीं कर पा रही है। दैट्स वाई कि आपके सराउंडिंग में जो बॉडी है वो फोर्स तो लगा रही है लेकिन मोशन जनरेट नहीं कर पा रही है, क्योंकि वहां पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत ज्यादा निग्लिजिबल वैल्यू है। ओके बेटा, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन हमारे पास दिया है। कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू द अर्थ ऑन ए बॉल ऑफ 1 केजी मास लाइंग ऑन द ग्राउंड। अगर एक बॉल है और एक बॉल अर्थ के ऊपर रखी तो उसके ऊपर कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, हम लोग इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू द अर्थ ऑन ए बॉल, एक बॉल पर कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है अर्थ का, ऑफ 1 केजी मास लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो भाई एक मास अर्थ हो गया और एक मास बॉल हो गया, तो हमें अर्थ का मास चाहिए और बॉल का मास चाहिए। बॉल का मास हमें 1 केजी दिया, अर्थ का मास हम देख लेंगे, उसके बाद उन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो हम देखते हैं रेडियस, ठीक है, यानी कि सेंटर से, तो हम अर्थ की रेडियस ले लेंगे और ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट हमें मालूम ही है। तो आगे कह रहा है मास ऑफ द अर्थ वगैरह ये सब दिया है, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ और ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू दिया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, आप लोग भी ट्राई करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24, ठीक है, और इंटू 1 अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ 6.64 इंटू 10 टू द पावर 3 और इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग। आइए कैलकुलेट करते हैं, अगर पहले 10 टू द पावर इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन लोग को ऐसे रखते हैं 6.67 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और 10 टू द पावर प्लस 24 है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर इसमें से माइनस कर लेंगे 13 आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई सेम है अपॉन 6.64 इंटू 6.64 सॉरी 6.4 है ना
6.4 सॉरी, और इंटू 10 to the power, देखिएगा यहां पे 10 to the power 3 है और उसका स्क्वायर है यानी कि 10 to the power 6 आ गया। अब ये पावर 6 ऊपर जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी, ठीक है बेटा, ये पावर 6 ऊपर गई तो निगेटिव हो गई। तो अब देखिएगा 6.67 इंटू 6 अपॉन 6.4 इंटू दिस, टेन टू दी पावर 13 इंटू 10 to the power -6, 6.4 इंटू 6.4। इसको जब पावर को माइनस करेंगे तो एक कैलकुलेशन आएगा, लेकिन बट उससे पहले हम इन लोग को मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो मान लीजिए इसमें इसका मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आंसर आ रहा है 40.02 अपॉन 6.4 इंटू 6.4। तो हम 6.4 को एक बार कैंसल आउट भी कर सकते हैं, बट हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6.4 इंटू 6.4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इतना आ रहा बेटा। अब जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे दैट इज 0 point something आएगा, ठीक है 0 point something आएगा, बट 10 to the power अगर हम इसको डिवाइड भी करने की कोशिश करते हैं तो ये 0 point something करके आएगा। तो एक बार हम लोग इसको डिवाइड भी करने की कोशिश कर लेते हैं, तो ये हमारा डिवीजन हो जाएगा 0.2 something आएगा, ठीक है सॉरी 0.2 के आसपास आएगा। तो हमने इसको जब कैलकुलेट किया तो हमने 10 to the power 13 और 10 to the power -6 को माइनस कर दिया और इसके यहाँ लिख दिया 0.2 इंटू 10 to the power 7, भाई 6 चला जाएगा तो 7 बचेगा, तो मैं इसको 2 इंटू 10 to the power 6 एक तरीके से अप्रोक्सीमेटली, दैट इज अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है बेटा ये अप्रोक्स है, तो इतना कैलकुलेशन कर सकता हूं। अब यहां पर पावर हमारी जो आ रही है बेटा ये पॉजिटिव पावर है, तो इतनी हैवी पावर से अगर अर्थ किसी चीज को अट्रैक्ट करता है, इतनी बड़ी पावर है, ठीक है यहां पर जो पावर आ रही है वो 6 है, तो इसका मतलब फोर्स बहुत लार्ज है, तो उस पर्टिकुलर एक लार्ज फोर्स से अर्थ जब किसी चीज को अट्रैक्ट करता है तो इसका मतलब अब वो बॉडी उसके ग्रेविटी से बाहर जल्दी नहीं जा पाती है, क्योंकि पावर 6 है यानी कि 1। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, 1,000,000 मतलब ये लैक न्यूटन, इतना फोर्स आता है लैक में आता है न्यूटन का फोर्स, ठीक है तो ये लैक में आ रहा है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा हैवी फोर्स, ठीक है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अर्थ का, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगा के वो चीजों को अट्रैक्ट करता है। आगे देखते हैं बेटा, अब हमारे अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, हमारे सोलर सिस्टम की बात करूं, तो हमारे सोलर सिस्टम भी इसी तरीके से हेल्ड है। हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, यूनिवर्स में बहुत ज्यादा एयर तो है नहीं, तो ये हमारे प्लैनेट्स वगैरह सन के अराउंड कैसे करते हैं, क्योंकि सन एक मास बॉडी है, उसके अराउंड प्लैनेट्स हैं वो भी एक मास बॉडी है, तो एक मास बॉडी का दूसरे मास बॉडी के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है और उसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से सारे प्लैनेट अर्थ के अराउंड मोशन करते हैं। अब जैसे मान लीजिए जितने भी प्लैनेट है, चाहे मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, ये जितने भी हैं इन पर सन का एक फोर्स लगता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये एक मास बॉडी है, काफी बड़ी है, तो ये एक मास बॉडी है कैपिटल M मान लेते हैं, इन सब का एक पर्टिकुलर मास होगा, तो मान लीजिए इसका अर्थ के बारे में बात करते हैं M1। अब इनके बीच के सेंटर से यहां तक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है बेटा, ठीक है ये एक डिस्टेंस होगी, तो एक मास बॉडी ये, एक मास बॉडी हो, ठीक है ये दो मास बॉडी हो गई, इनके बीच में एक डिस्टेंस है। अब इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा उसको हम लोग ऐसे ही तो निकालेंगे, कैपिटल M इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हमारा ग्रेविटेशन फोर्स आ जाएगा और ये मास कंपैरिजनली अर्थ के मास से बहुत ज्यादा बड़ा है और अर्थ का एक मास होगा और इतने हैवी मास के बीच में कोई अगर डिस्टेंस है तो एक अट्रैक्शन फोर्स भी लग रहा होगा और कॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन फोर्स अर्थ क्या करता है, एक यूनिफॉर्म एक सर्कुलर मोशन में मोशन करता है अराउंड द सन, वो घूमता रहता है कॉज ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, और इसी अट्रैक्शन फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होता है सेंट्रिपिटल फोर्स होता है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा,
सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स कॉज होता है बॉडी को सर्कुलर मोशन में करने के लिए, ठीक है, कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, ठीक है बेटा। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यहां पर जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ये एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है और सारे प्लेनेट अराउंड द सन सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहे होते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए हम सन के अराउंड कर रहे हैं तो हमारे अराउंड मून करता है, तो मून भाई अर्थ का एक मून होता है, तो मून भी इसके अराउंड क्या करता है, ऐसे सर्कुलर पाथ पर घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर अर्थ और मून के बीच में एक ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, तो हर एक बॉडी एक दूसरी बॉडी को पर्टिकुलर फोर्स से अट्रैक्ट करती है। ओके बेटा आगे अब देखिएगा, हमने सुना होगा हाई टाइड्स या लो टाइड्स वगैरह आती है, तो ये जो टाइड्स फॉर्म होते हैं सी में ये भी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होते हैं। देखिएगा स्टेटमेंट में कह रहा है कि टाइड इन द सी फॉर्म्ड बाय द राइजिंग एंड द फॉलिंग ऑफ वाटर, पानी का ऊपर चढ़ना नीचे उतरना इन्हें टाइड्स बोलते हैं, इन द सी आर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच द मून एंड सन एग्जर्ट ऑन द वॉटर सर्फेस ऑफ द सी। अब आप देखेंगे यहां पर कि अर्थ का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अर्थ का मैक्सिमम पार्ट क्या है बेटा, आपको ब्लू दिख रहा होगा, ब्लू दिखने का मतलब ये मैक्सिमम पार्ट वाटर है, तो अब ऑब्वियसली बात है इसके अराउंड मून है, तो मून भी इस वाटर पे एक अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि अर्थ पे ही अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है तो वाटर पे लग ही रहा है, सन भी अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है तो वाटर पे लग ही रहा है। कॉज ऑफ दिस नेचर वाटर में वाटर क्या होता है, अपने लेवल से ऊपर उठने लगता है और फिर वापस गिर जाता है क्योंकि फिर अर्थ की ग्रेविटी लगने लगती है, तो ये ऊपर और नीचे हाई टाइड्स और लो टाइड्स का आना कॉज ऑफ अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी कि ग्रेविटेशन ही इसका रीजन है। हाई टाइड्स या लो टाइड्स आने का एक पर्टिकुलर रीजन क्या है बेटा, ग्रेविटेशन ही रीजन होता है इसका हाई टाइड्स या लो टाइड्स आने का। ओके बेटा तो हमने इन सारी चीजों को देखा, आगे देखते हैं, अब देख लेते हैं बेटा एक बार फिर से कि हम लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़ा क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशन की, ग्रेविटेशन एक फोर्स होता है और इसके बारे में हम लोग को न्यूटन ने कहा, इसके लिए इन्होंने एक यूनिवर्सल लॉ दे दिया जिसका कैलकुलेशन हम इस तरीके से करते हैं जिसमें हम ये मानते हैं कि जो फोर्स होता है वो मास बॉडी के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और यहां से हम ड्रॉ एक फॉर्मूला गेट करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स का। यहां पर एक कांस्टेंट हम आता है कैपिटल जी, और कैपिटल जी को हम लोग बोलते हैं बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं कैपिटल जी को, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 × 10⁻¹⁻ is the value of capital G. Capital G है, याद रखिएगा कि आप कभी भी capital G और small G को लेकर confused मत होइएगा। Capital G अलग term होता है, small G अलग term होता है। Capital G का मतलब होता है gravitational constant और small G का मतलब होता है acceleration due to gravity. Capital G की value constant होती है, ये fix है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, यानी कि जी वेरी करता है, ये कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में ये बेसिक डिफरेंस है, इसको हमेशा याद रखिएगा, कभी भी मत भूलिएगा वरना आप मिस्टेक्स करते रहेंगे, ठीक है। फिर हमने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर होता है, अब हमने उसके कुछ एप्लीकेशंस देखे कि कैसे कैसे फोर्स लगता है, कहां फोर्स लगता है और बॉडी मोशन क्यों करती है क्यों नहीं करती है, तो हमने इसको समझा, ठीक है बेटा। इसके बाद हमने देखा सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स किस तरीके से अपनी जगह पर हैं, इसको समझाया गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, ठीक है। इसके बाद हमने बात की हाई टाइड्स या लो टाइड्स की, तो हमारे जो हाई टाइड्स या लो टाइड्स भी आती हैं वो भी कॉज ऑफ अट्रैक्शन फोर्स आती है, वो भी किसका अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से हाई टाइड्स या लो टाइड्स वगैरह आती है। ओके बेटा तो फिलहाल बेटा आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक, दिस लेक्चर, दिस चैप्टर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके बाय बाय।